नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और ब्लॉगर की सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं तीन वीडियो आपको बनाकर बता चुका हूँ, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, SEO ऑप्टिमाइज, और आपको कस्टम डोमेन आप ब्लॉगर पर कैसे बनाते हैं। तो इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है, तो इन तीन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे सीरियल वाइज चल रहे हैं। साथ साथ कुछ वी ब्लॉग भी डाले थे कल, जैसे काइट फ्लाइंग का एक वी ब्लॉग डाला था, और आपको मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें क्रिएटिव कॉमन में जो हम म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो बनाया था। इसके साथ साथ आपको लिंक पॉलिसी वगैरह के बारे में भी मैं समझा चुका हूँ। तो सारी वीडियोज़ पढ़ चुकी हैं, आप एक बार गुर थ्रू कर लीजिए चैनल को और सारी वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि ये सारा कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भट्टा का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे ब्लॉगर में, कि किस तरह से ब्लॉगर के अंदर थीम जो है इंस्टॉल की जाती है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अपना बनाया था एक ब्लॉग बनाया था टेक्निकल भट्टागर के नाम से, पहले भी बना चुका था और उसको मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आप उसमें सारे चेंजेस जो हैं वो करेंगे। तो अभी इस वाले ब्लॉग में, ये YTSU हिंदी वाले में, हमने अभी एक ही पोस्ट लिखी है, ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि त्यौहार आ गया था बीच में। तो मैं आपको दूसरे ब्लॉग्स पर आपको मैं करके चेंज करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंटल था मेरे पास, कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था बोल्ड एक्ट्रेस बॉलीवुड के नाम से, तो ये जो ब्लॉग था मेरा रैंक करने लगा है और अभी बनाया था ये। इस तरह के ब्लॉग्स आप भी बना सकते हैं, इससे बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। और इनका फ़ायदा ये होता है कि भले ही गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल ना दे, लेकिन अल्टरनेटिव जो मेथड्स होते हैं गूगल एडसेंस के अलावा, जो अल्टरनेटिव होते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छी कमाई इसमें कर सकते हो। आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि ये सारे जो होते हैं इन पर रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि इमेज सर्च में ये सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने श्वेता तिवारी वगैरह इन सब के ब्लॉग्स डाले थे, तो इसकी हम थीम को यहाँ पर चेंज करेंगे। थीम के लिए कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है, जो आपको फ्री में मिल जाए प्रोवाइड करा दे वो आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉगर थीम और सर्च करेंगे, तो सबसे पहली जो वेबसाइट आती है मुझे सबसे अच्छी यही लगती है, गोया बिट टेम्पलेट्स के नाम से ये वेबसाइट है और बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप ट्रस्टेड मान सकते हैं। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्री और पेड और SEO रेडी टेम्पलेट्स। तो आपको अपने जो आपकी थीम है आपके ब्लॉग की, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी जो थीम्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। अब मान लीजिए जैसे ट्यूटोरियल्स हैं, इला है, ये देखिए शॉप है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ये वेबसाइट है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ले सकते हैं। इवन आप यहाँ पर हमको सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है कि अगर हमें रेड कलर में थीम चाहिए तो ये हमें रेड कलर बेस्ड थीम हमें प्रोवाइड करा देगा। तो मान लीजिए मेरे को ये वाली थीम अच्छी लग रही है, तो सबसे पहले तो मैं इस थीम को फ्री वर्जन वाले को मैं डाउनलोड करूँगा। देखिए बाय भी कर सकते हैं, बाय में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे। डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड जैसे हम करेंगे हमारे पर एक zip फाइल आ जाएगी। zip फाइल को हमने क्या करना है, उसको ओपन करना है, राइट क्लिक करिए, शो इन फोल्डर करना है, और शो इन फोल्डर करने के बाद यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, डाउनलोड्स में जाएंगे हम लोग और हमारे पास ये थीम हमारी आ गई है। राइट क्लिक करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, 7-zip में भी कर सकते हैं, शेयर और winzip में भी कर सकते हैं, और इसको हम अनजिप करने के बाद ये हमारे पास आ गया। इसमें कई सारी फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप अपना लोगो का भी ये आपको देते हैं कि कितना बड़ा लोगो आपको बनाना है। और यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल होती है वो हमारी XML की फ़ाइल होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का भी पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, हालांकि वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा ही रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, कि वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, मतलब वीडियो में भी समझा देते हैं, वेब डॉक्यूमेंटेशन भी सारी प्रोवाइड ये लोग कराते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर इस वेबसाइट की मुझे लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें लेआउट पे जाना है, थीम पे जाना है। थीम पे जाने के बाद आपने यहाँ पर कस्टमाइज में राइट यहाँ पे क्लिक करना है, रीस्टोर पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। अपलोड करने में आपको अपने जहाँ आपने डाउनलोड की थी, हमने प्लेट वाली करी थी, तो प्लेट XML की जो फाइल है इसको ओपन यहाँ पर कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे वैसे ही ये आपकी रीस्टोरिंग थीम आपकी आने लग जाएगी, और जैसे ये यहाँ पर रीस्टोर थीम यहाँ पर लिख के आ गया, इसका मतलब ये है कि ये आपकी अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे, जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे
हमें एक नया फॉर्मेट, एक नया थीम हमें देखने को मिलेगा। अब इस थीम को हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्यूटीफुल प्लेट लिख के आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये थीम एकदम से बन के हमारे पास आ गया है। ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल हैं, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर इसके लेआउट पर जाना होगा, और जैसे ही आप लेआउट पर जाएंगे तो आपके पास ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर इसको आप हटा भी सकते हैं, अपने पास से लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको, इस विजिट को आप हटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, और कुछ भी आप जो करना चाहें मतलब आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने गूगल एडसेंस का कोड लगा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कोड लगा के आपको बताया भी है कि किस तरह से एस्टीमेट में कोड आपका यहाँ पर लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल एडसेंस के अल्टरनेटिव भी बहुत सारे होते हैं, कुछ मैं बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियोज़ को मेरे देख सकते हैं। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ों को आप कस्टमाइज़ करना चाहें, सोशल नेटवर्किंग के, आप अपने जो ट्विटर का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का है, पिनिंटरेस्ट का है, सारी चीज़ें यहाँ से, फेसबुक का पेज है, आप यहाँ से सब चीज़ों को लगा सकते हैं। इसी तरह से नेविगेशन बार होती है, नेविगेशन बार में भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अबाउट में आप अपने पेज का लिंक दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट में भी अपने पेज का लिंक दे सकते हैं, जो भी आपका पेज है। ये सारा यहाँ से, यहाँ पर अगर हम पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसको एडिट कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक बेहतर चीज़ आपको मिल जाती है, और बहुत आसानी के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। और जैसे ही ये फुल्ली फंक्शनल होती है, जैसे कि मैंने श्वेता तिवारी के इस पोस्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरे पूरे पोस्ट आएंगे, और नीचे काफ़ी हद तक आपको टैगिंग वगैरह सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी जो पेज की SEO होती है वो भी मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और आप बहुत ही आसानी के साथ अपने ब्लॉग को अपडेट कर पाएंगे। ये जो लिख के आ रहा है डाउनलोड दिस टैंपलेट वगैरह, इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये बॉक्स वर्जन है, और यहाँ पर लिंक लिस्ट है, ये देखिए आप, इसको मैं यहाँ पर खोल देता हूँ। ये सारा लिख के आ रहा है, आप चाहें तो इस विजिट को यहाँ से बंद कर दीजिए, सेव कर दीजिए, एंड जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये सब आपको हटा हुआ मिलेगा, ये देखिए। और इसकी जगह आप अपना भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई मना भी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अपने थीम को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, और इस तरह से आप अपने ब्लॉग को दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इमेज सर्च से रिलेटेड ब्लॉग कैसे बनते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो।